और फिर हो गई तैयारियां? कितनी देर में आ रहा तुम्हारा भाई लेने? हाँ, हो गई सारी पैकिंग, अब बस अभी आने वाला है थोड़ी देर में। सही है, चलो। अच्छा ये बताओ, तुम लड़कियां जब अपने मायके जाती हो तो तुम्हें कैसी फीलिंग आती है? हम लड़कियां ना चाहे 30 की हो जाए या 40 की हो जाए, मायके में पैर रखते ही ना वही 16-17 वाली फीलिंग आती है। ओ भाई, आप लोगों को फीलिंग कब आती है 16-17 वाली? बस हमारा भी ऐसा ही है जब तुम मायके चली जाती हो। भाई शादीशुदा जिंदगी कैसी है? बहुत ही ब्यूटीफुल, कश्मीर जैसी। लेकिन भाई आतंक बहुत है। बेबी, हम लड़कियां ना ट्रिप प्लान कर रही हैं पहाड़ों का। मैं सोच रही हूँ पड़ोसन को भी पूछ लूँ। अरे वो नहीं जाएगी, वो पहाड़ों पे बहुत वॉमिट करती है यार। अच्छा, सारे टाइम गेम ही खेलते रहते हो, कोई ढंग का काम किया है आपने अभी तक? अभी बता दे भाई। बात तो सही कह रही हो तुम, तभी तुम्हें ढंग की बहू ना मिली। गजब की बात है। सुनो, तुमने एक बात नोटिस करी क्या? जो भी कुंवारे होते हैं और जिनका घर नहीं बसा होता, उनके घर के बाहर लिखा होता है स्वीट होम। अकेला रह रहा होता है बंदा तब भी, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है उसके घर के आगे पता क्या लिख देते हैं? ओम शांति। जवानी में इतनी वीडियो बनाओ कि बुढ़ापा उनको देखने में निकल। कहाँ जाना है? मैडम जी, जहाँ श्री राम का जन्म हुआ था। अच्छा, अयोध्या? हाँ हाँ। टिकट दिखाओ। टिकट तो नहीं है। अच्छा तो मैं फिर तुम्हें लेके चल रही हूँ। कहाँ? जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता ना? क्यों, अब क्या कर दिया मैंने? कल तुमको सिलेंडर लगाने के लिए बोला था किचन में। हाँ तो लगा तो दिया था मैंने सिलेंडर। पता नहीं कैसा सिलेंडर लगाया था, कल से दो बार सब्जी जल चुकी है। बजरंग में यार एक बात करनी थी तेरे से। बोलो। तूने मुझे खाना बनाना सिखा दिया। हाँ। कपड़े धोने सिखा दिए। सफाई करनी सिखा दी। बर्तन करने सिखा दिए और डस्टिंग करनी भी सिखा दी। तो सारा काम तो मुझे आ गया, अब तू जा अपने घर।